कृष्णा, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं भी सनातनी और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं, जो कई लोगों ने हमसे पूछे हैं कि मंदिर बनाने ही क्यों और मंदिर बड़े ही क्यों। ट्रैंक्विलिटी, एजुकेशन, लव, एंगेजमेंट, प्यूरिफिकेशन, मेडिकेशन। आप कह रहे होंगे कि मैं रैंडम वर्ड्स एकदम से क्यों बोलने लग गई। ये रैंडम वर्ड्स नहीं, ये है एक टेंपल। टेंपल की ये सब डेफिनेशन का पार्ट है और इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला, ट्रैंक्विलिटी। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि मंदिर जाकर कितनी शांति का अनुभव करते हैं। भक्तगण कीर्तन कर रहे हो, शिव विग्रह भव्य रूप में सजे हो, वहां हमें एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। आप लोगों को एक बात जानकर काफी आश्चर्य होगा कि WHO के अकॉर्डिंग एड्स या कैंसर नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिजीज होने वाली है। तो ऐसे में इवन अमिडस्ट द रकस ऑफ द सिटीज, दीस टेंपल्स प्रोवाइड अस विद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो मंदिर का हमारे अंदर शांति बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा, एजुकेशन। तब आप कहेंगे कि एजुकेशन और मंदिर का क्या संबंध, एजुकेशन तो स्कूल में मिलता है ना। नहीं, स्कूल में डेफिनेटली वी आर टॉट हाउ टू डू थिंग्स, बट इन स्पिरिचुअलिटी वी आर टॉट व्हाई टू डू थिंग्स। अब मेडिकल प्रोफेशनल में उसको सर्जरी करना बताते हैं, पेशेंट्स पे ऑपरेट करना बताते हैं, पर क्यों करना है ये नहीं बताते हैं। इसलिए मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड अप एक्सप्लॉइटिंग देयर पेशेंट्स फॉर मनी। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट है, ताकि हम वाई का आंसर जान पाए। अब लोग अपने बच्चों को IIT पढ़ने के लिए कोटा या IAS पढ़ने के लिए महेश नगर तो भेज देते हैं, बट देयर दे आर नॉट टॉट the responsibility behind the power, and spirituality tells them the importance of responsibility behind the power. तो ये spiritual education हमें मंदिर provide करते हैं, इसलिए मंदिर बहुत जरूरी है समाज में। दूसरा point है medication। अब आप कहेंगे कि क्या मंदिर दवाइयां भी manufacture करता है? तो जैसे हमारी जो physical body होती है, उसमें हमें variety of diseases लग जाती है। ऐसी शास्त्र में डिजीज मेंटालिटी के बारे में बताया गया है, और इनके जर्म्स क्या है, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, लस्ट, एंगर। हिंदी में बोला जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इन सब से होता क्या है, एंगर से टेररिज्म इश्यूज होते हैं, लस्ट से जो हमारे संसार में सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं जैसे कि रेप, ये सब होता है, और ग्रीड से करप्शन जो कि इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सब होता है। और इन सब से यही नहीं, हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ भी जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। यूथ को आजकल लगता है कि इन सब चीजों से आनंद मिल रहा है, पर वो ये नहीं समझते कि इससे उनकी बॉडी पे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते थे कि जब हम नाम उच्चारण से एक हायर टेस्ट लेंगे तो फिर हमें रियल आनंद का पता चलेगा। इसलिए टेंपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूरिफिकेशन, आप लोगों को शायद एक बात पता ना हो, 2008 में गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 70 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक में भारतीय करेंसी में रखा हुआ है। अब आपको मैं बताना चाहूंगी कि इतनी धनराशि से क्या क्या हो सकता था। हम फॉरेन डेट जो कि हम बाहर वाले कंट्रीज से लेते हैं, उस समय का हम 13 बार चुका सकते थे, हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, और जो बेचारे गरीब भुखमरी के मारे मर रहे हैं, ऐसे 40 करोड़ फैमिलीज को हम 1-1 करोड़ रुपए दे पाते और क्या कर पाते, इस धनराशि पे जो इंटरेस्ट आता केवल उसी से हमारी कंट्री का ईयरली बजट बन सकता था। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, बिकॉज
the rich and the wealthy people were not pure-hearted. They were driven by greed and not compassion. The temple acts as a training ground for leaders. भगवत गीता का ज्ञान भी हमारे समाज के लीडर्स के लिए है. भगवत गीता का ज्ञान सबके लिए है, लेकिन लीडर्स को वो प्योर हार्टेड बनाएगा. अब आप कहेंगे कि क्या टेंपल में इनकी धुलाई होगी साबुन से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. भगवान प्रेजेंट है टेंपल में. महाभारत में एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है, पवित्र नाम च पवित्रम यो मंगलनम च मंगलम. इसका क्या अर्थ है कि जो डीटीज टेंपल में है वो भगवान स्वयं वहां विराजित है, और जैसे जैसे हम भगवान के क्लोज जाएंगे वैसे वैसे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा और हमारा हार्ट प्यूरिफाई होगा. लव, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, हमारी बॉडी की क्या नीड है? रोटी, कपड़ा और मकान. अच्छा, हमारे माइंड की क्या नीड है? सभी बोलते रहते हैं शांति दे दो भाई, शांति. तो पीस हमारी माइंड की नीड है. अब आता है मेन क्वेश्चन, हमारी यानी सोल की क्या नीड है? सोल की नीड है लव. लेकिन कैसा लव? संसार में तो लव आता है और चला जाता है. एक्चुअल लव वही है जो कि भगवान की तरफ डायरेक्टेड हो, लव टुवर्ड्स कृष्णा. और जो टेंपल होते हैं ये हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे हम भगवान के लिए अपने प्रेम का व्यक्त कर पाए और भगवान जो हमसे प्रेम करते हैं वो महसूस कर पाए. मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी. इस्कॉन गाजियाबाद का जो मंदिर था, उन्होंने कोविड पीरियड में जब सब अपने घर में बैठे थे उधर 6 से 7 लाख फ्री मील्स डिस्ट्रीब्यूट की है. So this is love towards other people when we take them as a part and parcel of Krishna. So temple is not just a temple, it's a university. It's a hospital. It's our eternal home. Hamara last point hai engagement. Srila Prabhupada ji ne bhakti ka English translation डिवोशन नहीं डिवोशनल सर्विस दिया है. जब एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसकी बीमारी में रात रात भर जाकर उसकी सेवा करती है, उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है. उसी प्रकार से डिवोशन इज नॉट सेंटिमेंटल स्पेक्युलेशन और इमेजिनेटिव एक्सटेसी, इट्स अ सब्सटेंस इन प्रैक्टिस एक्टिविटी. अब आप कहेंगे कि क्या हम घर बार छोड़ के मंदिर में सेवा करने चले? जी नहीं, सेवा कोई भी कभी भी कैसे भी कर सकते हैं. आप बोलेंगे कैसे? तो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल भगवान के पुस्तक वितरण में सहयोग करके उनकी स्ट्रेटजीज बना के सहयोग कर सकते हैं. एक हाउसवाइफ भगवान के लिए अच्छा अच्छा प्रसाद बना के सहयोग कर सकती है. एक छोटा सा बच्चा जो की स्कूल में कहानियां बताता है वो भगवान की कहानियां बता सकता है. एक टीचर भगवान के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बता सकती है. एक आर्टिस्ट भगवान के पोस्टर्स डिजाइन कर सकते हैं. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भगवान के मंदिर के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं. तो इसी प्रकार हम सब भगवान की सेवा में लग सकते हैं. ऑल वी नीड इज द डिजायर टू सर्व. तो हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको टेम्पल की हमारे समाज में सोसाइटी में इम्पोर्टेंस का पता चला होगा. तो अब आपका कर्म क्या है? आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन सबको भी सनातन धर्म के टेम्पल्स की इम्पोर्टेंस का पता चले. और आपको और क्या करना है? इस वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या नई चीज पता चली और आप किन किन क्वेश्चन और आंसर जानना चाहेंगे. Thank you very much for watching. Hare Krishna.